भाई साहब क्या लगता है जीतेंगे? बोल नहीं सकते अभी भी हाँ? अभी बोल नहीं सकता कुछ भी, ऐसा माहौल है इधर। वोट बटने का ज्यादा चांस लगता है? नहीं, चांस तो है लेकिन बातचीत में तो कुछ हर एक आदमी पॉलिटिक्स करता ना। बातचीत में बात तीन में दम है, दम है बात में, दम है लेकिन बात में क्या दम है मालूम। उम्मीद क्या है? उम्मीद उम्मीद तो मैं कांग्रेस का है। क्या भाई कैसा लगता है कैंडिडेट? अल्लाह के ऊपर भरोसा है जी, अल्लाह की से हिदायत है। हर मुसलमान का ये है जी कामयाबी, हर मुसलमान। क्या लगता है ऐसे कैंडिडेट जीतने का उम्मीद लगता है? अल्लाह बहुत बोले ना, अल्लाह तवक्कल को अल्लाह, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक जरूर इनको कामयाबी देगी। कुरान की एक आयत बोले जाल हकल जाल बातिल, जब हकल आता है तो बातिल खत्म हो जाता है। अगर हक है तो अल्लाह तुम्हें उन्हें कामयाबी दे, बस तवक्कल करो। वैसे ओवरऑल हवा किसकी लग रही है, कुछ आइडिया? वैसा तो क्या भी नहीं, सब तो अब हवा तो नेचुरल ही लग रही है। कभी पॉलिटिकल हवा लग रही है, अब शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है, अभी शुरू होगा, अभी इसके बाद और भी काम करेंगे तभी वोट मिलेगा। नहीं बिना काम के तो नहीं मिलने वाला जी, लोग को समझ में आ गया है जी कि काम कीजिए वोट लीजिए। हाँ अब ये है कि देखना है मुसलमानों का वोट एक जगह जाता है या बढ़ता है। डिवाइड तो होगा ही, कुछ जनता दल को जाएगा कुछ कांग्रेस को जाएगा। फ्रेंकली बोलिए। हाँ नंबर वन इसका चल रहा है, किसका? बीजेपी का। रीजन भी बताता हूँ। नहीं वो मेरे को मालूम है इसीलिए पूछा आपसे, फ्रेंकली पूछा, इसलिए मैं आपको फ्रेंकली जवाब दूँ। रीजन आप समझ रहे हैं वही बात है। हाँ करेक्ट है, समझे ना आप। किसका उम्मीद है इस एरिया में, किसके ऊपर उम्मीद है? रिजवान साहब पे इंशाल्लाह, रिजवान साहब पे ज्यादा। ये नहीं लगता है कि तीन तीन मुस्लिम है बटेगा वोट? वो बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते कौन मारते हैं, कंपटीशन टफ है, बोल नहीं सकते, कंपटीशन टफ है, दोनों भी 50-50 है आगे पीछे। पब्लिक कैसा है, कैसा ये होता, कैसा 50-50 किसके बीच में बोल रहे हैं? रिजवान अरशद और प्लस बीजेपी, बीजेपी के दोनों के बीच में। तो तनवीर अहमद की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं तनवीर अहमद का कुछ भी फर्क नहीं है। इसलिए शिवाजीनगर में चर्चा है तो अभी रिजवान भाई का ही है, रिजवान भाई का ज्यादा। हाँ ज्यादा है, इंशाल्लाह गए जो इलेक्शन हुआ थोड़ा परेशानी होगी ना, इंशाल्लाह अब तो ये कुछ होगा। आपको क्या लगता है? जीतने की वो आइडिया नहीं लग रहा, अभी जनता किसको क्या वोट दे, कब पलट खा जाए क्या पता। काम वाले हैं, नौकर को नौकर की तरह जज करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, इट्स नॉट इजी। और कैसा लगता, अच्छा दिन आ गया ना? नहीं अच्छा दिन मरने के बाद भी नहीं आता। आज तक तुमने कोई ऐसा लीडर मिला जिससे तुमने लगा कि उम्मीद होगा? स्पिरिट बहुत है जैसे कि हमेशा ये हमारा क्या नाम होगा, कौन बेंगलोर के बाहर के? नहीं बेंगलोर के। अच्छा अच्छे थे आदमी लोग, पहले के लोग अच्छे थे, अभी के लीडर पर भरोसा है? कुछ भरोसा नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं तो इनके ऊपर क्या भरोसा। ऐसा हो गया, ऐसा दुनिया हो गई। क्या लगता है जनता दल में कोई दम? देखिए एक सबसे बड़ी हम क्या कहना चाहते हैं जी, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम शिवाजीनगर में है, एक ही कास्ट का 10-12-14-16 लोग खड़ते हैं तो इससे क्या होता है, वोट डिवाइड होने का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो जिम्मेदारान हैं, हमारे कौम के रहने दो या मौलवी रहने दो, ये सभी मिल के आपस में बैठ के एक जो भी उम्मीदवार हैं सब उम्मीदवारों को बिठा के समझाना है कि इतने लोग खड़ के वोट का बंटवारा अगर से होगा तो हरगिज कोई भी पार्टी आने का चांस नहीं। दे आर मेकिंग द वे टू विन अदर्स। तो आप बोल रहे हैं जो मुस्लिम की वोट है डिवाइड होगी, इतने लोग खड़े होंगे? हाँ, हाँ, हाँ,
इतना इतना लोग खंडे से मुस्लिम का अगर से वोट डिवाइड होना, देखिए शिवाजीनगर इट इज़ एन मिनी इंडिया एज पर, इतने लोग बोल रहे हैं कि मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया है, ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದು ಯಾವಾಗೂ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರು ಆಗಿರಲಿ ಹಿಂದೂ ಅವರು ಆಗಿರಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷನೂ ನಮಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನಿಜ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು. ಅದು ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನೋ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಮತ. ಏ ಬದೇ ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜಿ ಕುಛ್ ದಮ್ ಹೈ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇ ಆದ್ಮಿ ಮೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇ ತೋ ದಮ್ ಹೈ ದೇಖಿಯೇ ಅಭಿ ಮೇ एक लोअर क्लास से शिवाजीनगर के ब्राडवे में रहने वाला, अभी मैं मेहनत पढ़ के बी सिविल किया है और एक एमएनसी में एक अच्छे पोजीशन पे अभी काम कर रहा हूँ. तो ये हमारी मेहनत में जो नीचे से हम काम करके आए हैं, ये हमारी मेहनत पता चलेगी कि हम कितना तकलीफ पढ़ के आए हैं. तो तन्वीर अहमद का भी सुनने में यह आया है कि वो भी मेहनत, ही इज ऑल्सो फ्रॉम टैक्सी ड्राइवर सन हु हैज बिकम सच ए. तो आपका मुद्दा यही बोलना चाह रहे हैं कि कैंडिडेट में दम है लेकिन सबको खड़े होने से वोट डिवाइड हो, बस यही है, यही सिंपल है. और बताइए तन्वीर साहब कैसा चल रहा है आपका रोड शो? अरे रोड शो तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तमाम मजाहिब के लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि शिवाजीनगर में एक बदलाव चाहते हैं, नेकी का, सच्चाई का, अच्छाई का. और डेफिनेटली मैं अपने प्रोग्राम्स के बनिस्बत लोगों के पास जा रहा हूं, मैं डराने का, धमकाने का, पैसों के ऊपर नहीं. यहां पर जितने भी लोग आए हैं वेल मीनिंगफुल पीपल हैं जो चाहते हैं कि एक बदलाव आए और इस बदलाव के लिए सारे लोग खड़े हुए हैं. मुझे यकीन है कि लोग बदलाव चाहते हैं. मूड क्या है लोगों का, क्या लगता है कि ये जो बदलाव आप देख रहे हैं ये बदलाव वोट में बदलने का उम्मीद? उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुझे यकीन है कि शिवाजी नगर के अंदर जनता दल कहीं नहीं है, कहीं नहीं है. जो लोग कह रहे थे उन लोगों को आकर देखना चाहिए, गली गली में, घर घर में, कूचे कूचे में जनता दल पहुंच गई है. जनता दल का तन्वीर पहुंच गया है, प्रोग्राम पहुंच गए हैं, डेवलपमेंट पहुंचने वाला है. जब आप शुरू किए थे नंबर 4 पे थे, अभी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं तो जब शुरू किया था अच्छाई और सच्चाई और नेकी और प्रोग्राम्स के ऊपर नंबर 1 पे था, आज लोगों के दिल में नंबर 1 पे हूँ. और लोगों का मोहब्बत, प्यार, इनायतें बता रही है कि जब 9 तारीख आएगा उस वक्त भी नंबर 1 पे ही रहूँगा. और तो क्या आपके मैनिफेस्टो क्या हैं? 5 प्रोग्राम्स हैं मैनिफेस्टो, मैं रिलीज करूँगा मीडिया के आगे. 5 प्रोग्राम्स हैं जो ख़ास तौर से प्रोग्राम्स हैं. मैं 5,000 नौजवानों को नौकरी, 10,000 औरतों का एम्पावरमेंट, और कोई भी औरत बच्ची शिवाजीनगर के अंदर पैसे नहीं है इसलिए स्कूल नहीं छोड़ेगी. और यहाँ का लंग स्पेस बहुत स्क्वीज हो गया है. इमीडिएटली अगर 30,000 से 35,000 पेड़ लगाकर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा तो लंग स्पेस और लंग्स बीमारियाँ यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आने वाली है. और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ. ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं हमारे और तमाम मसाजिद और मंदिर और चर्चेस में वेस्ट सेग्रीगेशन यूनिट्स उस पे काम करें. हाँ जी ठीक है तन्वीर साहब, आप लग रहे हैं ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. और फरहान साहब, तमाम आज आप एक वेल मीनिंगफुल जर्नलिस्ट हैं. तमाम आपके देखने वालों से मैं कहूँगा कि जात के ऊपर, जमात के ऊपर, आप धर्म के नाम पर आप वोट मत दीजिएगा. आप डेवलपमेंट के नाम पर, प्रोग्राम्स के नाम पर, ये कांग्रेस की जो एक चाल है जो हमेशा बताती है कि इसको देंगे तो वो आ जाएगी, उसको देंगे तो ये आ जाएगी. अरे मोदी आ गया, अमित शाह आ गया, येडियुरप्पा मेयर गवर्नर सब आ गए. अभी हमको डेवलपमेंट लाना है. ये डराने के ढकोसले काम छोड़े, डेवलपमेंट के ऊपर काम करें. मैं बताऊंगा शिवाजीनगर में कितने बस स्टॉप्स हैं, कितने स्ट्रीट लाइट्स हैं, कितने पेड़ हैं. मैंने स्टडी किया, डीप स्टडी किया शिवाजीनगर के बारे में. शिवाजीनगर की ज़रूरत को जानता हूँ मैं. अगर इनके पास प्रोग्राम्स हैं तो प्रोग्राम की भी नस्बत आए, लड़े मेरे साथ जी. लेकिन जो अब आपने बात किया कांग्रेस की और इसकी उसकी, अगर जनता का रुझाव मैं आपको बताऊं, जनता क्या बोलती है, बीजेपी जीत रही है क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट आ गए, इसको कैसे टैकल करेंगे आप?
पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं मुस्लिम कैंडिडेट नहीं हूं, मैं हिंदू कैंडिडेट नहीं हूं, मैं जात से मुसलमान हूं, मैं तमाम शिवाजीनगर में बसने वाले हिंदुओं का, मारवाड़ियों का, जैनों का, सिखों का कैंडिडेट हूं। तमाम लोग चाह रहे हैं, मैं एक मखसूस कम्युनिटी के वोट से नहीं, तमाम कम्युनिटी के प्यार से, इज्जत से और मोहब्बतों से मैं जीतने वाला हूँ, मुझे यकीन है। ठीक है तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।